ंग ग्रेट सर दिस इज दू ऑफ द टॉपिक बूस्टिंग रबर कल्टिवेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया ही था कि ये जो रबर कल्टिवेशन है ये न्यूज़ में क्यों रहा था किस वजह से था वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी एंड इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी बट और डीप में जानने के लिए हम इस वीडियो में देखेंगे सारी चीज़ें ओके सो विदाउट एनी फर्दर आर डू लेट स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ बूस्थिंग रबर कल्टिवेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो टॉपिक है ये न्यूज़ में क्यों रहा था एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट हमने इसके बारे में जाना था अबाउट द नेचुरल रबर के बारे में एंड रबर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एंड इसके जो मेजर एप्लीकेशनस है वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी एंड ये जो है लेटेक्स ये कहाँ से हमें मिलता है कौन से ट्री से ओके ये सारी चीज़ें हमने देखा था बट ये नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आप क्या क्या देखेंगे वो हम जान लेते हैं तो इस वीडियो में हम देखेंगे वट इज़ अ रबर बोर्ड तो आपको ये चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी हैं कि रबर बोर्ड क्या होता है ओके okay? एंड ये भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो रबर प्रोडक्शन है वो कहाँ कहाँ एरियाज़ में की जाती हैं इससे रिलेटेड ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से सो विद एनी फॉर द अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक तो फर्स्ट वन इज वट इज द रबर बोर्ड रबर बोर्ड आखिर होता क्या है रबर बोर्ड एक स्टैचुररी बॉडी है स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंस्टिट्यूट होती है अंडर सेक्शन फोर ऑफ द रबर एक्ट 1947 में तो ये जो रबर एक्ट है वो 1947 में आया था तो उसी के अंडर ये जो बॉडी बनाई गई है एक स्टैचुररी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर बनाया गया है रबर बोर्ड ऑफ इंडिया ओके एंड ये जो रबर बोर्ड है ये फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ओके जो कि हेडेड की जाती है बाय अ चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हैज 28 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस इंटरेस्ट ऑफ द नेचुरल रबर इंडस्ट्री तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं ये जो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया है ये एक स्टैचुटरी बॉडी है सबसे तो पहले आपको याद रखना है स्टैचुटरी बॉडी है अंडर सेक्शन फोर ऑफ द रबर एक्ट नाइनटीन ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट एनी कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर जिसके हेड हैं पीयूष गोयल ओके तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हेड हैं पीयूष गोयल ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है आपसे पूछ लिया जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में एंड द बोर्ड इज़ हेडेड बाय अ चेयरमैन एंड ये जो रबर बोर्ड है ये चेयर की जाती है एक चेयरमैन के द्वारा जिसके हेड हैं डॉक्टर स्वार्थ धनानिया इनका नेम भी आप याद रखिएगा एंड ये जो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया है ये हेड की जाती है एक चेयरमैन के द्वारा जिनका नेम है डॉक्टर स्वर्थ धनानिया ओके एंड इनके द्वारा ये हेड की जाती है ये रबर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इनको कौन अपॉइंट करता है ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एंड इनके अंडर ट्वेंटी एट मेम्बर्स भी होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस इंटरेस्ट ऑफ़ द नेचुरल रबर इंडस्ट्री ओके सो जस्टिम्बर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू रबर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड सबसे ज़रूरी बात आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जो रबर बोर्ड है इसका हेड क्वार्टर कहाँ लोकेटेड है इसका क्वार्टर है कोटायम केरला में ओके सो दट सो दिस पॉइंट एंड ये जो बोर्ड है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रबर इंडस्ट्रीज इन द कंट्री बाई असिस्टिंग एंड एनकरेजिंग रिसर्च डेवलपमेंट एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड टू रबर तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं रबर से रिलेटेड रबर कल्टिवेशन से रिलेटेड जो भी मैन्यूफेक्चरिंग से रिलेटेड काम किया जाता है एंड रबर इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया जाए तो ये सारी चीज़ें रबर बोर्ड के अंडर की जाती हैं ओके सो जस्ट रिम्बर दिस पॉइंट एंड इसका जो हैडक्वाटर है वो है कोटायाम केरला में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिलेटेड टू द रबर प्रोडक्शन एरियाज़ तो सबसे ज़्यादा जो रबर हैं वो कहाँ प्रोड्यूस की जाती हैं कहाँ पाई जाती हैं एंड इसका ओरिजन कहाँ हुआ था तो ये जो रबर प्रोडक तो ये जो फर्स्ट रबर प्लांटेशन है इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था 1895 में ऑन हिल स्लोप्स ऑफ केरला इसीलिए इसका हेडकोार्टर जो है कोटायम केरला में है ओके okay? एंड उससे भी पहले रबर का फर्स्ट प्लांटेशन कहाँ किया गया था इंडिया में ब्रिटिश के द्वारा ओके okay, ये बात की जा रही है ब्रिटिश से रिलेटेड तो ये जो रबर प्लांटेशन है ये ब्रिटिश के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था ये फर्स्ट रबर प्लांटेशन इन इंडिया में इन 1902 में ऑन द बैंक ऑफ रिवर पेरियार केरला में ओके okay, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको याद रखना एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे केरला के बारे में केरला इज़ इंडियाज टॉप प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर तो सबसे ज़्यादा जो टॉप प्रोड्यूसर है रबर का नेचुरल रबर का वो केरला है तो इससे रिलेटेड हम डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है नेचुरल रबर कोटायम कोलम एर्नाकुलम कोजिकोड़े ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं केरला के ये जनरेट करते हैं नियरली ऑल ऑफ द स्टेट्स रबर ओके सो जस्ट रिम्बर दिस पॉइंट एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे तमिलनाडु से रिलेटेड जैसे कि केरला आपको पता ही है कहाँ पे हैं इंडिया के मैप में उसके आसपास तमिलनाडु भी आता है तो ज़रूरी नहीं एक ही एरिया में वो रबर प्लांटेशन की जाए और भी इधर उधर फैली होती हैं रबर प्लांटेशन तो तमिलनाडु में भी की जाती है नेचुरल रबर प्लांटेशन तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हम तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं नीलगिरी मदराज कन्याकुमारी कोयम्बटूर एंड सालेम ये जो सारे डिस्ट्रिक्स हैं ये तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे प्रोडक्शन की जाती है नेचुरल रबर की ओके एंड कर्नाटक में भी की जाती है इसकी प्रोडक्शन की प्रोड्यूसिंग जो डिस्ट्रिक्ट हैं उससे रिलेटेड वो हैं चिकमंगलूर एंड कोडागू तो ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं ये कर्नाटक के हैं जहाँ पे नेचुरल रबर प्रोडक्शन की जाती है एंड कुछ अदर स्टेट्स भी हैं जहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरल रबर को तो ये इंक्लूड करता है त्रिपुरा आसाम अंडमान एंड निकोबार गोवा एंड अदर स्टेट एज वेल ओके तो ये जो थे ये सारे मेन मेन स्टेट्स थे जहाँ पे ये जो रबर प्रोड्यूस किए जाते हैं इन इन एरियाज़ में इनके डिस्ट्रिक्ट्स आप याद रखिएगा मेनली केरला है कर्नाटक है तमिलनाडु है ठीक है एंड ये सारे भी स्टेट्स हैं जिसमें रबर प्लांटेशन की जाती हैं ओके सो देस पॉइंट्स रिलेटेड टू रबर प्रोड्यूसिंग एरियाज ओके okay, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं मेनली तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं एंड यहाँ पे साउथ इंडिया में कर्नाटक तमिलनाडु एंड केरला में देखे जाते हैं और भी चीज़ें और भी स्टेट्स हैं बट वहाँ पे इतने लेवल पर नहीं की जाती हैं इससे रिलेटेड प्रोडक्शन ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज स्टेट्स नेम्स एंड देयर डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिया में रबर कंजप्शन किस किस एरिया में ज़्यादातर की जाती हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस किस एरिया सेक्टर में किए जाते हैं रबर की तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो ऑटोमोटिव टायर सेक्टर है जहाँ पे 15 परसेंट इसमें सारे तरह की रबर इंक्लूड होती हैं सिंथेटिक रबर एंड नेचुरल रबर एंड जो भी अलग अलग तरीके की रबर होती हैं वो ये टायर बनाने में यूज़ होती हैं तो टोटल फिफ्टी परसेंट कंजम्पशन किया जाता है रबर का ऑटोमोटिव टायर सेक्टर में तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि अरेंज एंड असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर्स तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिए कि फर्स्ट नंबर पे जो आता है जो कंजम्पशन करता है रबर का वो ऑटोमोटिव टायर सेक्टर है एंड सेकंड वन इज बाइसाइकिल टायर्स एंड ट्यूब्स जिसमें फिफ्टीन

जो फिफ्थ नंबर पे है वो है बेल्ट एंड हॉर्सेस ये सिक्स परसेंट कंजम्पशन की जाती है रबड़ की एंड अदर जो हो गए वो टेन परसेंट होती है तो आपको स्टार्टिंग के तीन याद रखने हैं फर्स्ट वन इज़ ऑटोमोटिव टायर सेक्टर फिफ्टी परसेंट होती है बाइसाइकिल टायर्स एंड ट्यूब्स एंड द थर्ड वन इज़ फुटवेयर्स ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स रिलेटेड टू द इंडियन रबर कंजम्पशन नाउ नेक्स्ट ये जो स्लाइड है ये मैंने आपके लिए लगाई है यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कैसे कंजम्पन किया जाता है कहाँ कहाँ किया जाता है तो नेचुरल रबर का है जैसे कि मैंने आपको बताया है ये पॉलीमर है आइसोप्रीन का एंड ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ऑप्टेन किया जाता है लेटेक्स of a number of tropical trees से and यहाँ पर आपको ये tree का name भी याद रखना है natural जो rubber जहाँ से consumption की जाती है okay एंड यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो मेजर वर्ल्ड लेवल पे जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं रबर से रिलेटेड वो कौन कौन हैं तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं थाईलैंड इंडोनेशिया मलेशिया एंड देन इंडिया इंडिया में कौन कौन आते हैं कौन कौन से स्टेट्स आते हैं केरला ओवर सेवेंटी फाइव परसेंट प्रोड्यूस करता है रबर को एंड उसके बाद आता है तमिलनाडु एंड देन कर्नाटक एंड इंडिया इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द नेचुरल रबर यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके okay? ये सारी इंफॉर्मेशन थी एंड यहाँ पे आप सारे वेदर्स वगैरह देख सकते हैं कि कितने रेनफॉल में ये इजीली ग्रो हो सकते हैं एंड कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए टेम्परेचर सॉइल कैसी होनी चाहिए ये आप देखिए यहाँ पे लेटरेटेड टाइप ऑफ सॉइल होनी चाहिए एल्यूविलियल एंड सेडिमेंट्री टाइप होनी चाहिए उसी सॉइल में ये ग्रो हो सकते हैं ऐसे प्लांट्स ओके सो जैसे ऑल दीज पॉइंट्स नाउ नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि यूपीएससी ने भी पूछ चुका है 2008 में ओके okay, मैच करने के लिए उसने बोला था कि बोर्ड्स को उनके हेड क्वार्टर से मैच कीजिए तो फर्स्ट दिया था उन्होंने कॉफ़ी बोर्ड रबर बोर्ड टी बोर्ड एंड टोबैको बोर्ड यहाँ पर आपको पता ही होगा कि रबर का बोर्ड कहाँ पे है कोटायम केरला में तो बी का थ्री हो जाएगा ओके okay? कॉफ़ी बोर्ड जो आप सभी को पता है बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा होती है एंड बी का है कोटायम केरला डिस्ट्रिक्ट में एंड जो टी बोर्ड है वो कौन से स्टेट में है टी सबसे ज़्यादा जो होती है वो कोलकाता में होती है जहाँ पे चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती हैं सबसे ज़्यादा ग्रो होती हैं उसी उसी एरिया में इन सब का हेडकोर्टर बनाया दिया जाता है एंड लास्ट वन इज़ टोबैको बोर्ड ये कहाँ पाया जाता है ये गंटूर में है तोबैको बोर्ड तो आप ये देख सकते हैं आंसर बी होगा इसका तो ये आप याद रखिएगा सारी चीज़ें इनके बोर्ड से रिलेटेड ओके तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है यू तो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है नेक्स्ट हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं वो जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं उसका एक्सप्लेनेशन जो है ओके okay? तो फर्स्ट वन है कॉफी बोर्ड जो कि इस्टेब्लिश किया गया था थ्रू द कॉफ़ी एक्ट सेवन 1942 के द्वारा एंड ये जो कॉफी बोर्ड है ये आता है अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रमोट करता है कॉफी प्रोडक्शन को इंडिया में एंड जिसका हेड क्वार्टर है बैंगलोर में ठीक है ये हमने देखा था कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है बैंगलोर में एंड यहाँ पे आप इसका लोगो देख सकते हैं कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का एंड नेक्स्ट वन इज रबर बोर्ड जिसके बारे में हमने अभी रिसेंटली ही पढ़ा है ये कंस्टिट्यूट होता है अंडर द रबर एक्ट 1947 के एंड रबर रूल्स 1955 के एंड ये जो रबर बोर्ड है ये एक स्टैचूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रबर इंडस्ट्री इन द कंट्री एंड जिसका हेड ऑफिस है कोटायम केरला में ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट नेक्स्ट टी बोर्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं जो कि स्टैब्लिश हुआ था बाय द टी एक्ट इन 1953 के द्वारा एंड ये जो तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है ये एक स्टेट एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कि स्टैब्लिश की, की गई थी टू प्रमोट द कल्टिवेशन प्रोसेसिंग एंड डोमेस्टिक ट्रेड एज वेल एज एक्सपोर्ट ऑफ टी फ्रॉम इंडिया ओके एंड इसका हेड क्वार्टर है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का कोलकाता में नाउ नेक्स्ट एंड दिस इज द लास्ट वन टोबैको बोर्ड ये एक स्टैचुर बॉडी है जो कि क्रिएट की, की गई थी ऑन द फर्स्ट ऑफ जनवरी 1976 अंडर सेक्शन फोर ऑफ द टोबैको बोर्ड एक्ट 1975 के अंडर एंड ये जो बोर्ड है ये हेड किया जाता है बाय अ चेयरमैन विद हेड क्वार्टर एट गुंटूर आंध्र प्रदेश में एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टोबैको इंडस्ट्री तो ये सब चीजों के आपके ने हेडक्वार्टर देख लिए हैं एंड यहाँ पे इनके लोगो हैं ये सारी चीज आप याद रखिएगा एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव से ओके सो जस्ट मैम ऑल दिस पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस सो दिस इज द एंड ऑफ अ टॉपिक एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेट प्लीज़ गिव अड थम्स अप एंड फॉर मोर इफॉर्मेटिव वीडियोज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मै चैनल विच शिव स्टडी एजुकेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर आई सी द नेक्स्ट वन